हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में, फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो फ्रेंड, आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और अभी जो है मैं खेत में आ रखी हूँ। खेत में इसलिए आई हूँ कि कल रात बहुत तेज़ तूफान बारिश वगैरह चल रही थी। मैंने सोचा कपड़े उपड़े हमारे छत में थे तो मैं देख के आती हूँ कि कोई कपड़ा इधर उधर ना गिरा हो, पर नहीं, कपड़े यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। और पता है यहाँ पे से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गेहूँ इतने प्यारे हो रखे ना, सारे बराबर इक्वली हो रहे हैं। ये देखना कितने प्यारे हो रखे हैं, मतलब एक साथ ऐसा लग रहा होगा। ग्रीन जो मैट नहीं होते उसको बिछा दिया होगा, ग्रीन चादर तो पूरा बिछा दिया होगा, कितना प्यारा लग रहा है। देखो इस समय पे ना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अब कुछ टाइम बाद जो है ये सारे यहाँ से हट जाएंगे और गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारे अमरूद का पेड़ है, हमारा अमरूद का पेड़ है जिसमें कि अमरूद होते नहीं है, एक ही अमरूद हुआ है, उसके बाद से कोई अमरूद नहीं हुए हैं। और ये लीची का पेड़ है, तो ये भी महाराज जी फल देने का नाम नहीं ले रहे हैं, पता नहीं कितने साल हो गए इनको भी, पर ये भी फल नहीं देते हमको। और दादाजी लोग अभी बाहर नहीं आए हैं, ये मेरी ताई जी लोगों का घर है, तो दादाजी लोग अभी बाहर नहीं आए हैं, बच्चे अभी स्कूल जाएंगे। और यहाँ देख सकता है हमारा कूलर बेचारा बाहर ही पड़ा हुआ है, ख़राब हो चुका है ये भी। और बारिश पड़ने के बाद ना ये हमारे प्याज देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हो गए हैं, और ज़्यादा अच्छे से हो गए हैं, उधर से सनलाइट पड़ रही है ना। सुबह से बाहर ही घूम रहे हैं, ना बाल बनाए ना कुछ, बिना बाल बनाए बाहर घूमने पर लगी हूँ कि कपड़े कहीं गिरे तो नहीं है उस चक्कर में। तो चलिए नाश्ता बना लेते हैं, 8 बज चुके हैं और मैं उठी हूँ सुबह के 6 बजे से, लेकिन बिस्तर से नहीं उठी। ये तो मेरी क्वालिटी है, मेरे अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी भरी हुई है कि मतलब मेरा उठ के फ़ायदा क्या है जब मैंने बिस्तर से उठना ही नहीं है। लेकिन पता नहीं ठंड और बारिश हो रही है आजकल, मतलब कल रात भी बारिश पड़ी शायद, मेरे को लग रहा है क्योंकि ठंडा ठंडा सा और ऊपर से हवाएं चल रही हैं बहुत गंदी वाली, ये हवा से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब ठंड गर्म दोनों टाइम हो रहा है। और इस समय पे ही सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। और कल से मम्मी की एक्सरसाइज शुरू कर दी है, तो अब से रोज़ मम्मी की एक्सरसाइज होगी 1 घंटे लगभग। और सुबह अभी उठेगी तो उसके बाद मैं बोल दूँगी, तुरंत ही जैसे उठेगी एक्सरसाइज करना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत टाइम हो गया है हमने एक्सरसाइज नहीं करवाई है। और जो उनके पैरों में लाए थे ना बांधने बांधने के लिए, वो तो संडे को ही पहनाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे को संडे का ही टाइम मिलता है। तो अब से संडे को इधर उधर घूमने के बजाय उन पर ध्यान देना ज़रूरी है, तो सबसे पहले उनको ठीक करना है, मंदिर तक लेके जाना है। यहाँ पे ना एक तो रोड़े ख़राब है यहाँ की, तो इंसान लेके भी कहाँ जाए, इतनी गंदी रोड़े हो रखी हैं कि हम मरीज को बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं। पर देखते हैं कैसे कैसे करके होगा, अगर होगा उधर जाना, नहीं तो पूरा यहाँ पे तक, और वहाँ मतलब हमारे घर की जहाँ पे मेन है ना वहाँ पे तक ले जाएंगे बस, और उसके बाद इधर लेके आ जाएंगे। तो चलिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ, बाल बना लेती हूँ, मिलती हूँ आप सभी को नाश्ता बनाने के बाद। और मम्मी जब एक्सरसाइज करेगी तब आपको दिखाऊंगी कि कर रही है या नहीं, वरना फ़ोन देखेगी तभी करेगी कि हाँ मेरी वीडियोस बन रही है, और फिर अगले दिन वीडियो देखती है तो तब और ज़्यादा करती है कि हाँ चलो वीडियो में मुझे लोग देख रहे हैं, तो उस चक्कर में ही करे, पर करे तो सही। मैं आई हूँ दोबारा खेत में लहसुन तोड़ने घास और लहसुन को पता नहीं चल रहा है, ये भी लहसुन ही लग रहा है घास। और ये देखना मेथी, कोई नहीं खाता हमारे घर में, संडे को बनानी पड़ेगी, इतना अच्छे से हो रखी है मेथी। उधर वाली मेथी भी इतनी अच्छे से नहीं हो रखी जितनी अच्छे से ये वाली हो रखी है। ये मेरी बुआ ने लगाई थी, राय वाले वाली बुआ आई थी ना जब यहाँ पे, उन्होंने डाली थी। और बाकी मैं लहसुन तो ले गई हूँ, चल ये टमाटर पक गया, मैं कब से इनको देख रही थी, ये
पकेंगे कब पकेंगे कब। फाइनली एक टमाटर पक गया है, एक ये वाला टमाटर पक गया। चलो देखना, ये कल रात के सारे कपड़े यहाँ पे लाके रखे हैं, सारे उड़ रहे थे हवा में। माता जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बंद करो। गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड मॉर्निंग मित्रों। चादर की हटा दे अपनी नीचे से सारी, ककड़ है हटा रखी तूने। बोला बोले, बोल दे गुड मॉर्निंग मित्रों। हाँ सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बोल ले दे, कंचा ठीक छा सब, बैजी भाव सब, दगड़ो भुल्ला भाई सब ठीक ठाक होगा। हम भी ठीक सो, तुम भी ठीक होला। और एक्सरसाइज बता, एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर रही है। उधर पानी दे मेरे को, पानी नहीं है, चुप रह रहो। मैं आती नहीं हूँ, मम्मी पहले पानी मांगने लगाती है। तो हमारी बुल्ली यहाँ पे जो है वो आटा गूंदने लगी है, और मैं बना रही हूँ ये। दादाजी से मिलने चलते हैं, दादाजी से मिलते हैं, फिर नीचे आती हूँ, नाश्ता करती हूँ। नाश्ता रखा हुआ है, 9:01 हो गए हैं, और मैंने सोचा चलो दादा से मिल के आते हैं। हेलो दादाजी, प्रणाम, नमस्कार, नमस्कारम, नमस्कार। भीड़ पे आचे, भीड़ पे आचे, भीड़। हाँ सब ठीक है, भीड़ भी आचे, भीड़ी। हाँ हाँ, कल है, अरे क्या करता, सेहत पास करना, सेहत अकुन खराब वान, खराब। अपने आज बीजे मंडल तो खत्म हो जा, तब छोड़ दो, छोड़ दे। हाँ ठीक छ, पे पे छे, क्या बना छे, अब तुझे दादाजी टाटा बाय बाय, भाभी आ गई उधर से, बाय बाय। बैग भूल गए बेचारी अपना घर। तो रो क्यों रही है तब, लेट करवा दी उसने, कौन क्यों है अभी, बाय बाय वापिस आए, आधे में से वापिस आए। जाओ जाओ, टाटा बाय,
अभी तो ये गए वापस, अभी वापस आ गए बैग छोड़िए। टाटा भाई, टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय। तो यहाँ पे बन चुका है, देखो मेरी साग बहुत कम खाती हूँ, चुटकी वाले क्या रखी हूँ, ये मोमोज की चटनी है वो भी बहुत कम खाती हूँ मैं, मिर्च ज़्यादा नहीं खाती। और माता श्री यहाँ पे भोजन ग्रहण कर रही है। ओ बाप रे, तुम बाल तभी बांध दे अगर कभी, मम्मी के बाल बना बना के थक जाते हैं मम्मी, फिर उसे अब मत करना, अब तो खाना खा रही है, रहने दे। अब कालेश्वर महाराज उधर लेटे हुए हैं, टाइम हो चुका है 9:20। तो सब्जी खरीद के और कॉलेज बोल रही हूँ मैं, ऑफिस से आ चुके हम घर, और यहाँ पे मेरी बहन जो है इतने सारे कपड़े फोल्ड कर रही है, पता नहीं कितने कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं यहाँ पे और फोल्ड करके रख रही है बिल्कुल, क्योंकि उतने दिन से ना मैं बता रही थी ना हमने कपड़े धोए शायद बारिश के कारण सूखे नहीं, फिर वापस से उसने छत में रखे, फिर सुखाए, फिर अब नीचे लेके आई है, अब इन कपड़ों को फोल्ड कर रही है एक एक करके, फिर जाके यहाँ जाएंगे अलमारी में। और मेरे भाई जा रहा है दौड़ लगाने के लिए, और हमारी माता श्री को हम उठाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज टाइम, एक्सरसाइज टन 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 टन, घंटी बज गई, चलो एक्सरसाइज करो, चलो चलो। अभी मम्मी को मैं एक्सरसाइज करवा देती हूँ, 7 बज रहे, 8 बजे तक एक्सरसाइज करेंगे, फिर खाना बनाते हैं, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, और व्लॉग को इतना ही रखूंगी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी को एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा आप सौरभ राज व्लॉग्स के साथ, है ना मम्मी। आप भी बाय बोल दो, बाय बोल दो। और मैं मम्मी को एक्सरसाइज करवा रही हूँ, फिर उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिलता है, और फिर खाना वाना बनाना हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, बर्तन धोने हो जाते हैं, बर्तन तो खैर आजकल धो नहीं पा रही हूँ, रात में मैं सुबह ही धो रही हूँ उठ के, तो क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जा रही हूँ, तो उस चक्कर में मैं सोचती हूँ कि जब उठ नहीं है तो कुछ ना कुछ काम बचाना है ना अपने लिए सुबह के लिए। तो चलिए मैं फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ, और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।